हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में आगामी आने वाले चुनावों के मद्देनजर भाजपा व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का क्रम भी जारी है। बीते दिनों वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी द्वारा विधायक किन्नौर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार द्वारा आयुष्मान और हिम केयर योजना के तहत धर्मपुर अमृतसर जाकर अपना इलाज करवाने के लिए कहा गया था, जिसको लेकर किन्नौर कांग्रेस प्रवक्ता सुखदेव नेगी ने भी वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी और भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि इलाज करना तो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि भाजपा सरकार के शासनकाल में जिला किन्नौर की जनता जहां एक ओर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रही है, वहीं दूसरी ओर जिला में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। उन्होंने कहा कि जिला में अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी को आगामी चुनावों के नतीजे के बाद अपना इलाज करने के लिए धर्मपुर या फिर अमृतसर में बिस्तर बुक कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो सो कॉल्ड अपने आप आने वाला एमएलए बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जो विधायक जगत सिंह नेगी जी है उनकी टीमों को इलाज करने की जरूरत है। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत रखता हूँ, वाकई इलाज करने की जरूरत है। जो भ्रष्टाचार, जो अव्यवस्था इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सूरत नेगी जी की नाक के नीचे हो रहा है, जो स्कूल, जो हॉस्पिटल कभी नंबर बनाते थे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, आज वहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, वहाँ पर एक्सरे नहीं हो रहा है, जो गरीब आदमी है हमारा उसको रामपुर जाना पड़ता है, ऐसे ही जो हमारे स्कूल हैं वो खाली हो चुके हैं, कई टीचर नहीं हैं, कई प्रिंसिपल नहीं है, फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं है, मैथ पढ़ाने वाला नहीं है, कई जगह तो ये हाल है। हमने पीछे भी आवाज़ उठाई थी, तनख्वाह निगुलसरी के स्कूल से लेते हैं, पढ़ाते हैं कांगड़ा हमीरपुर में, छोटा गंबा स्कूल में भी ऐसा है। वाकई कांग्रेस के जो हमारे विधायक है या उनकी जो टीम है उनको इलाज करने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। आज जो हमारा जिला किन्नौर है, सेफ सीजन शुरू हो चुका है, जो हमारी सड़कें हैं उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, वो खच्चर रोड है कि लिंक रोड है पता ही नहीं लग रहा है। बागवान आज हमारा परेशान है, वो चाहता है वाकई जगत सिंह नेगी जी उनकी टीम इलाज करे, इन सड़कों की व्यवस्था सुधारे। बागवान परेशान है किस तरह अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाएगा, ऐसे ही कई हमारे किसान बागवान परेशान हैं, सूखे की मार झेल रहे हैं। जो पूर्व ब्लॉक के अंदर लोग हैं उनके जो नहरें वो सूखी हुई है, पानी नहीं है, पानी ढो ढो कर वो कर रहे हैं, वाकई इलाज करने की जरूरत है। सही कहा उन्होंने, ऐसी बहुत सारी समस्या है जो दैनिक जरूरतें होती हैं लोगों की, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, हर जगह बुरा हाल है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या जो सूरत नेगी जी है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, आंकड़े दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो पर, रियलिटी पर क्या हो रहा है। आज हमारा आम आदमी किन्नौर के अंदर परेशान है, परेशानी उनके चेहरों पर देखी जा सकती है, पर सूरत नेगी जी को, विधायक जी को गाली देने से फुर्सत नहीं है। अंडर 14, अंडर 19 हमारे बच्चों के टूर्नामेंट होते हैं, चाहे हमारी छोटी जो बच्चियां हैं 14 साल से नीचे या 19 साल से नीचे लड़के हैं लड़कियां, वहां पर जाकर भी वो जगत सिंह नेगी जी को गालियां मार, कांग्रेस पार्टी को गालियां मार रहे हैं। वाकई इलाज करने की जरूरत है, और उन्होंने एड्रेस भी बताया कि धर्मपुर में इलाज होता है, आगरा में इलाज होता है, और पता नहीं कहाँ का वो उन्होंने बिल्कुल, उनको पता है कि मतलब 2-2.5 महीने के बाद चुनाव होने हैं, और कह रहे कि मैं टिकट लेके आऊँगा, जो हार का अंतर होगा, अगर ज़्यादा कम अंतर से हारे तो धर्मपुर जाएंगे, अंतर ज़्यादा हुआ तो आगरा जाएंगे, उससे ज़्यादा अगर मतलब वो जितना उनका हार का वो होगा उतना वो इलाज करना है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ वो अपना बेड भी बुक कर ले उन हॉस्पिटल में जाकर, आपने एड्रेस तो पता कर लिया है, और जो आयुष्मान कार्ड है या जो भी दूसरा कार्ड उन्होंने बताया हेल्थ कार्ड, उसके थ्रू आप अपना इलाज कर दें।